राइट। अब तुषार जी, हमारे जो ज्ञाननाथ जी है कह रहे हैं आपका रिपोर्ट कार्ड हमें आप देखने का समय आ गया, रिपोर्ट कार्ड लगाया जाए इनका। ये आ गया। तुषार बारेठ हैं, ये 15 साल की इनकी उम्र है। स्कूल एंड स्टैंडर्ड है श्री स्वामी नारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं ये। बिना संस्कारों से जो इंसान है वो समाज को और देश को बोझा रूप है, इसलिए हम बच्चे को ही संस्कार देंगे तो ही हमारा समाज और देश वो आगे बढ़ेगा, सक्सेस होगा। नमो नमः श्री हरे बुद्धिदाय दयावते। बहुत सारी स्कूलें एजुकेशन तो देती है लेकिन हम एजुकेशन के साथ मानव मूल्य के जो संस्कार है हम देते हैं। मेरे को 4 to 5 months हो गया इस गुरुकुल में। पहले घर में था, डेली रूटीन था लेकिन उतना टाइट नहीं था, लेकिन यहाँ आके एकदम चेंज हो गया है, एकदम टाइट शेड्यूल, एकदम डिसिप्लिन में, तो ये क्या है, सिस्टमैटिक हो गया आपसे। स्वामीनारायण गुरुकुल विद्या, सद्विद्या और ब्रह्म विद्या, ये हम तीनों बच्चे को सिखाते हैं। विद्या माने प्रोफेशनल सक्सेस, सद्विद्या माने सोशल एंड फैमिली सक्सेस, और ब्रह्म विद्या एक आध्यात्मिक सक्सेस। स्वामी जी लोग बोलते हैं कि भगवान को अपना एक सच्चा दोस्त या पार्टनर मानोगे तो भगवान तुमको खुद रास्ता दिखाएंगे। कभी कभी ट्राई भी करते थे कि जो स्वामी जी बोलते हैं क्या सच में होता है ऐसा, तो ट्राई किए तो रियली होता है। तुषार एक अच्छा लड़का है, उसका जो भी एक्टिविटीज है वो इतना डिसिप्लिन में है। पहले ये था कि IAS बनना, ऐसा था कि उतना फोकस्ड नहीं था मैं, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हुआ, लेकिन एक गोल सेट हो गया। वो गुरुकुल अच्छा भी है, थोड़ा सा खराब भी है, कुछ कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से खराब है, थोड़ा ढलने में टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। मैं तो पहले अमित सर से पूछूंगा, गुरुकुल जो बनाया आपने मोहब्बत है, ये बनाया क्यों? वहाँ फंसे तो मेरे पापा देखे, पापा उधर देखे तो मेरे को यहाँ फंसा दिए। तो बस एक चीज की कमी है, सामने में गर्ल्स हॉस्टल, सामने के गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, गाँव है। बड़ा मुश्किल होता है इस उम्र में अपने आप को अनुशासित करना, डिसिप्लिन रहना, लेकिन एक बात बता दें भाई साहब आपको, बचपन में जो भी आप अनुशासन सीखते हैं ना वो सारी जिंदगी आपके साथ रहता है। और बचपन में जो कुछ भी सिखाया जाएगा वो आपके मन में रहता है।